बहुत सारा बात, खास करके मुस्लिम महिला और मदेशी महिला के सशक्तिकरण अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और रही कह के लोग बोल चुके हैं। वैसे लोगों के अंदर यहाँ तमाम मिश्रित समुदाय हैं, मंच में भी आसीन लोग हैं, नेपाल में रहने वाले लोग, जो पुरखौली रहने वाले लोग हैं वो जानत हैं। लोगों का है कि इस्लाम में महिला लोगों का राइट्स नहीं है, कानून नहीं है, अधिकार नहीं है, इन लोगों के साथ विभेद होते हैं, चाटू विवाह कर लेते हैं, जब मन लाग तलाक दे देते हैं। ये कुरीति जो मालूम नहीं है के बारे में वो लोगन का, लोग फायदा भी उठावत हैं, ऐसा भी है कि नशे में दारू पी के झगड़ा करके करीन भी है जिससे कि बदनाम हुआ है, जबकि उनके भी क्राइटेरिया है, तलाक के भी क्राइटेरिया है, उनके कौन काज में तलाक दे सकत है, विवाह के भी। आज नेपाल अगर कहा जाए कि नेपाल के कानून में विगत में रहा है कि आपके विभिन्न चार पांच तो क्राइटेरिया रहे, ई क्लाज में मात्र जो है आप शादी कर सका जाते, दूसरा इस्लाम में 1400 साल पहले से ई क्लाज रहे। आज महिला सशक्तिकरण के बाद 10-20 साल से उठा थे नेपाल में कि चलो समानता होनी चाहिए, अभी जो है छोरी का भी यानी लड़की का भी लड़के के समान अधिकार बहुत सारे सेक्टर में दिया गया है, मगर इस्लाम में 1400 वर्ष पहले से 33% एक हिस्सा, यानी एक लड़का एक लड़की है तो एक तिहाई लड़की के अंश और दुई तिहाई लड़के के अंश, यानी 33% की व्यवस्था इस्लाम में रहा है। लोग कहा था कि नहीं महिला लोग नेतृत्व नहीं करी है, हजरत आयशा सिद्दीका जैसे जंग के नेतृत्व करके जंग लड़ी है, ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर भ्रांति है, लोगों के अंदर गलत सोच है। तो हमका लगा था कि फातिमा फाउंडेशन के इस समाज में इस क्षेत्र में खास करके मुस्लिम महिला लोगन का, मुस्लिम समुदाय के जो लोगन के अंदर गलत सोच रहा है, गलत जो एक इमेजिन करत रहे हैं लोग, उनका चीरे में भी बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है, और मुस्लिम महिला और मदेशी महिला लोगन का सशक्तिकरण अभियान देश के मूल प्रवाह में लावे के लिए बहुत बड़ा अग्रणी भूमिका रहा है या अस्मरणीय है। और बहुत ही इसके बारे में अगर जितना भी कहा जाए, तारीफ किया जाए, कम है, काज की एक संकोच तो है, लोग कहीं लड़की ढूंढे जाइए हैं अपन, चाहे शादी करे के लिए बीवी ढूंढे जाए, चाहे पतोहिया ढूंढे जाए, कहीं भी पढ़ी लिखी हो, बी ए हो, एम ए हो, सबसे पहले ऑप्शन रखते हैं, मगर पढ़ावे में जो है संकोच करते हैं कि नहीं पढ़ावे ना भेजें, मगर ढूंढे करती है अपने जब बारी आवत है तो मास्टर डिग्री हो, बैचलर कम से कम हो चाहे करके ही है। तो हमका लगा था इस संस्था के जो भूमिका रहा है इस क्षेत्र में, इससे इस चीज़ में भी एक लोगन के अंदर से बहुत सारा चीज़ दूर हुआ है, जो आज ही भूमिका है कि लोग पढ़ाए पढ़ावे के लिए आगे बढ़े अपने लड़कियों का। हम तो नमस्कार जी बैठे हैं मंच में, बहुत सारा बात बताए के गए हैं, हमका लगा था कि आप नेतृत्व करते हो जिला के, हम लोग तो है आप सांसद कोष से 10 लाख रुपया दिया रहा है, और आगामी वर्ष कुछ ऐसा कारण हुआ जो नहीं दिया गया है, मगर इनके भवन का पूर्णता करवावा जी, ये एकदम निश्चिंत रहा जाए। मगर नमस्कार जी से भी हमारा अनुरोध है, आप बताओ कि चाव जैसे 2500 संस्था है, हाँ वास्तविक रूप में कुछ मस्जिद मदरसा का है, इसकी नेपाल सरकार के कानून में ये व्यवस्था नहीं है कि कानूनी रूप से आयन अनुसार मस्जिद दरता हो, मदरसा दरता हो, तो वो एनजीओ में दरता हो, मगर कम से कम पहल करे कि आपके भी है कि एनजीओ का कैटेगरी या सिफारिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा मूल प्रवाह में आ सके या सचेतना कार्यक्रम ला सके, इके कार्यक्रम में इस संस्था के सबसे महत्वपूर्ण योगदान, यूनेस्को क्लब समग्र में जो है मुस्लिम समुदाय के टारगेट पे के ना ही है, इसको मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व है, दलित या गरीब कम्युनिटी के लिए वो शैक्षिक स्तर में या खाने पानी में या चर्बी व्यवस्थापन में सर सफाई में सहयोग उके है, मगर मूल धर्मा लाभ के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, मदेशी मुस्लिम महिला के लिए उके उतना आगे की भूमिका नहीं जता फातिमा फाउंडेशन के है। तो हमका लगा था कि नमस्कार जी से अनुरोध है कि अभी तीनों तहमा आपके पहुँच है सिफारिश है, तो एक नंबर में कम से कम टिक लगा टाइम में जौन समुदाय जौन संस्था के ऑलरेडी विकास है, जौन समुदाय के नेतृत्व करत है विकास है और भूमिका है, उससे पहले टिक लगा के सिफारिश करे हो तो कम से कम फातिमा फाउंडेशन के नाम आवे चाहिए। हमका लगा था कि आप करा जी, ये हमका जानकारी है और विश्वास भी है आपके प्रति, और अभी बहुत सारा बात भी उठा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात उठा, नागरिकता के इशू की भी बात उठा है, हम राजनीतिक बात तो नहीं किया चाहित रहा है, मगर अब थोड़ा सा बात उठा है तो राजनीतिक बात स्वाभाविक बात है,
वास्तविक रूप में संघीय कानून जो है कानून बनावे के संविधान था केंद्र सरकार के संविधान में कहा है कि संघीय कानून केंद्र के व्यवस्थापिका संसद बने और संघीय कानून बमोजिम प्रदेश कानून हुई और प्रदेश के कानून बमोजिम स्थानीयतः कानून बने और उनके क्लास का है कि कोई भी अगर संघीय सरकार संविधान विपरीत कानून बने तो स्वतः खारिज होने और संघीय कानून विपरीत प्रदेश सरकार ले बनाने बने उसको स्वतः खारिज होने और प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीयता ले कानून निर्माण करे न बने उसको खारिज होने लागू न होने एकदम बिल्कुल प्रश्न व्यवस्था है। तो नागरिकता जो विषय अभी उठा है हम लोगों के बहुत सारा इसमें डिबेट हुआ है आपका मालूम हुई है नज़दीकी से देखा गया हुई है कि संसद में लगभग छलफल करके एक विषय में हमारे लोगों के असहमति होत होत भी सदन के अंदर सारा विषय में सहमति 3 साल तक तो मनबे नहीं करे कि भैया कहाँ इनका नागरिकता दिया जाए ये सब तो इंडियन आदमी आएंगे ये सब विदेशी हो तो बहुत सारा विवाद हो के बावजूद एक विषय में कौन विषय है हम लोगों की कहना रहा है कि जब हम शादी करके ले आए वो अपने देश की नागरिकता त्याग कर दी इस भारत के तो यहाँ तुरंत नागरिकता मिलेगी चाहिए मगर जबरदस्ती बहुमत के आधार पर हम लोगों की उतना संख्या न हो की वजह से 7 साल के प्रावधान रखे संसद के अंदर गवा हम उमा बोले रहे समिति में जाके भाग लिया रहे अभी रिकॉर्डेबल है हम 3 चीज कह रहे हैं प्रश्न के जवाब दे दो अभी कानून भेज दो हम जात के कवड़िया मैंने राई लोग कहते हैं आप जात के सिद्दीकी अगर आप ढूंढे नेपालगंज में सिद्दीकी तो 15 घर हैं 15 घर में सब रिलेटिव हैं पीछे वकील साहब बैठे हैं अगर उमा शादी के लिए तो हार नाता कड़ी मुद्दा आए थे तो लागी कि ना लागी तुरंत हार नाता कड़ी लागी अगर हम कहें कि दूसरे जात में दे दो दे है ना तो हम कहें कि तुम लोग हमका ब्राह्मण क्षेत्री करके दे दो तो धर्म परिवर्तन लगाए दो कानून का है वो व्यवस्था तुम लोग कानून में करे हो इंडिया से लेके अब 30 साल में ब्याह करब 7 साल बाद नागरिकता पर है वह लिखे हो निरंतर 7 वर्ष स्थायी बसोबास करे को खंडमा मात्र नागरिकता प्रदान करने यानी 7 साल तक निरंतर अम्मा मर गई देखे चली गई तो 7 साल ना पूरा भवा दीदी ब्याह हुआ भोज खाए चले गए तो 7 साल ना पूरा भवा तो जिंदगी भर नागरिकता ना दे तो इमा हमारे लोगों के हम कहें कि भैया हमका लोगों का ठकुरी बाहुन क्षेत्री करेंगे छूट दे दो ठीक है पहाड़ से तो चलो ठीक है बहू अब बहू का कह के लेके आई तो कहे तो मुसलमान बना दियो कानून लगा दे अपने कह ले कवड़िया कह ले वो मनिहार कह ले वो फलाना कह ले हलवे कह ले अंसारी तो कहे हाँ ना था कड़ी लगा दे तो अपने गोत्र में कह ले ब्याह तो ये सबसे बड़ा टिपिकल विषय है मगर फिर भी अगर संसद जो भंग हुआ है यह संवैधानिक लोकतांत्रिक कदम है राज्य का है कि बार के संसद में 76-1 से 10 तक जो व्यवस्था रहा है बहुमत की सरकार वह नाय भवा तो 2 से ज्यादा दल मिलकर सरकार वह नाय भवा सबसे बड़ा दल वह नाय भवा तो अमुक व्यक्ति का भी उसके बाद फिर वह नाय अगर 30 दिन के अंदर फ्लोर टेस्ट में पास भवा तो आपका फिर एक बार 2 या 2 से बड़े अधिक दल मिलकर बनाओ वह नाय भवा अत्य परीक्षा पास हो के बाद में आप दोबारा जो है फार्म भरे पर यानी आप फेल हो विघटन कर सकते हो मगर हमारे केपी काका जो है सीधे मारे बाउंड्री पार कर दी ठीक है और विश्वास ना है ये काला इतिहास हुई है पाकिस्तान देश आज देखा जाए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हर कोई के उल्लंघन कर देते कानून के आज तक वहाँ अराजकता है हथियार पकौड़ी भाव विकास है तरकारी भाव विकास है दिन दहाड़े मंदिर मस्जिद मदरसा में ब्लास्ट होते हजारों लोग मर जाते हैं तो नेपाल में भी अगर ये न्यायपालिका आज अगर उस संविधान या कानून जो कि हजारों हजार के शहादत के बाद संघीयता गणतंत्र लोकतंत्र मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में अगर वो समाप्त हो के अगर प्रयास करी सी न्यायपालिका तो ये देश में बहुत बड़ा विद्रोह होगी और कभी भी स्थिरता न हुई जब तक कोई भी देश प्रगति न करे के सबसे बड़ा सवाल है कि वो जब तक स्थिर सरकार न होते जब तक स्थिर सरकार न हो स्थिर पालिका न हुई है तब तक वो चीज़ हम लोग तो शुरू में हम लोग उनके मुद्दा रहा है कि हम लोग जो है कार्यकारी राष्ट्रपति में जाए चाहिए देश अमेरिकन सिस्टम में जाए चाहिए जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हो सांसद का मंत्री बने का अधिकार न हो चाहिए बाहर से विज्ञता के आधार पर लोगों का मंत्री बना हुए और वो कम से कम 5 साल तो जनता बनाई थी तो सरकार चलावे वहाँ 5 साल चला थे वहाँ 4 साल के प्रावधान है 4 साल चला थे 5 साल चले मगर आज यही कारण है कि चलो ई वेस्टर्न सिस्टम का कोई न्याय मानिस तो कहा कम से कम ई क्लास तो रखा जाए कि कम से कम एक कई बार हम परीक्षा फेल हुए डर भवा की तैयारी ना ही है तो विघटन वो करे ना पावे कम से कम हमारा डर होगा कि हम आज ना पढ़े हैं कल एग्जाम है दे जाए पर यानी सदन में अविश्वास प्रस्ताव आवा वही कहा जाए हम लोगों की एग्जाम तो वही है अविश्वास प्रस्ताव आवा हम फेल हो जाए तो विघटन देश में महामारी देश में वैक्सीन खरीदे करती हम चंदा मांगी थे खैरात मांगी थे भीख मांगी थे लोग व्यवसायी धराशायी हो गए कर्जा नहीं तिर पाए हैं लोग अगर कहा रोजगार लोगों के खत्म होगा जहाँ 100 एम्प्लॉई रहे वहाँ 50 कई दीस जहाँ 50 रहे वहाँ 25 कई दीस जहाँ 5 रहे वहाँ 2 कई दीस आज लोगों का 6 महीने से ऐसे बहुत सारे संस्थान है जहाँ सैलरी नहीं पे आज भी वैक्सीन चंदा मांग के इंडिया से 10 लाख डोज आवा है किका लागी मंत्री हो
संतरी लोगन का लागी, बाकी जनता का करी, ठीक है। तो 30 अरब रुपया चुनाव में लागी, वो खर्च करे कितनी पैसा है, यानी समय से पहले। अत्ता अराजक सरकार, यानी हमका आप केपी ओली के नेतृत्व में दुई तिहाई रहा है। अरे भाई, आपका न्याय स्वीकार के साथ आपके दल, तो आप दल में अपन रिजाइन करती हूँ, झगड़ा करती हूँ, मार करती हूँ, देश का काहे झगड़ा करके जो है गढ़ा में ढकेल दियो। तो ये सबसे बड़ा जो है कहस की ये देश के जो संविधान है, हम लोग के तो असहमति है, अगर पार्टीगत हिसाब से कहा जाए कि संविधान अपूरो है, आधा है, इका पूरा गिलास इका समृद्ध हो चाहिए। आज कानून में है, वकील साहब बताएं 100 मुकदमा फ्री में लड़ा थे बेचारे, हम तो धन्यवाद हृदय से दिया जाए, आभारी हैं आपके कम से कम। कहस की संविधान में लिखा है कुने पनी नेपाली नागरिक लाई नागरिकता को हक बटा वंचित कर, एकदम फर्स्ट क्लॉज लिखा है संविधान, मगर हाँ सोच थिंक कीड़ा कि ये विदेशी हैं, ये विदेशी हैं। हम अगर अब भाई अवधि बोली थे, अगर इनका लाइव तुम कह दो तो नीचे के वो कालम अगर देखियो तो खून खोल के रह जाते हैं कि गाली अत्ता लाइन से देते हैं कि इका नेपाली नया आवत रहा। तो हम अपने राष्ट्रीय भाषा में बोले कि ना पाइबे, हमारी भाषा ना हो, हम जन्मे तो बप्पा बुआ कहें तो हम अपन भाषा पहले बोलबे, दूसरी भाषा हम काहे बोलबे पहले। मगर केपी ओली हिंदी में भाषण दें अगर उनका कम जी न्यूज का, तो उनका कोई ना कही कहें कि यहाँ पर आदमी के विभेद नस्लीय सोच है लोगों के अंदर आज भी, तो वो अंत हो की भी जरूरी है। और हमका लगत है कि संसद भी पुनर्स्थापित हुई है, न्यायपालिका करे परी और करबे करी, और स्थापना हुआ तो हमका लगत है एक प्रावधान जी में हम लोगों की असहमति है ऊपर फिर से छल पड़े, मगर जो अभी तक जितने बच्चे जो पढ़ाई से वंचित है या अन्य चीजन से जो वंचित रह रहे हैं उनके नागरिकता की समस्या समाधान हुई है, हमका पूर्ण विश्वास है। तो हम सबसे बड़ा ही कहा चाहते जी से मेरी नमस्कार जी का हम का कहें, हम कहें आपके चिंतन वो चीज त्याग दिया जाए। आप यहाँ भाषण तो दिया गया कि हमका लगा था मुस्लिम महिला सशक्तिकरण में, जैसे हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हम मुस्लिम महिला डिग्री कॉलेज बने, सारा चीज की है रोड, आप अगर देखा जाए नेपालगंज में जो विकास 20 साल में अनुभव ये हुआ, हाई मास्ट लाइट देखा जाए, अस्पताल आप भेरी में देखा जाए अरबों रुपया के बिल्डिंग बन रहा है, आप एयरपोर्ट के बाद देखा जाए, आप औद्योगिक कॉरिडोर के बाद देखा जाए, एक मुस्लिम महिला डिग्री कॉलेज हमारी एक जो घोषणा पत्र दिया रहा आप लोग उनका नाई के पहन, रीजन का रहा है कि हम कहूँ पर कहें कि हम कई जमीन दे दो महिला डिग्री कॉलेज बने, कोई कहीं ना ही है कुछ और हम बनाए दें, आज जमीन नहीं है, काहे कत्ती हम कह रहे हैं महिला डिग्री कॉलेज। आप देखा जाए आज भी लोग अनसिक्योर फील करते हैं अपने लड़कियन का, देश जो समाज में है दिन दहाड़े बलात्कार के घटना, इवन मदेशी कम्युनिटी में पर्दा सिस्टम है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू में घूंघट पड़ता है हम लोगों के अंदर है, अगर सेपरेट महिला डिग्री कॉलेज हो अगर तो वहाँ पर सिक्योर फील करी और वहाँ पर लोग अपने लड़कियन का उच्च शिक्षा के लिए भेजा, इसके लिए महिला डिग्री कॉलेज। इवन मदेशी कम्युनिटी छोड़ दो, पहाड़ी कम्युनिटी भी सिक्योर फील नहीं कर रहा था लड़कियन का, सवेरे स्कूल भेजा था तो आज यहाँ दिन दहाड़े न्यूज सुने थे ऐसी आतंक, कहीं बलात्कार आतंक, कहीं कौन घटना, तो उके भी जो है धुकुर पुकुर क्या कर रहे थे कि लड़की कब हमारे घर में आई जाए, तो उके लिए एक संकल्प रहा है हम लोगों के, हमारे लोगों के एक सोच रहा है कि महिला डिग्री कॉलेज के सेपरेट, जिके मैनेजमेंट भी वीमेन हो, जिके सारा चीज शिक्षा दीक्षा से लगा के पढ़े वाले टोटल मैनेजमेंट हो, वो सोच रहा है कि वो चीज़ हम लोग पूरा नहीं कर पाए। तो हमका लगा था इमा भी सकारात्मक भूमिका जो है संस्था लोगों की अगर हो परिवर्तनशील रही, तो हमका लगा था कि कल के टाइम अभी भी बहुत सारी ऐसे संस्था हमारे बात हुआ रहा है जो महिला डिग्री कॉलेज हम लोग स्थापना किया जा सकते थे, वो खास करके कम्युनिटी के लिए नहीं, कहा था बनावागा तो कहाँ MP स्कूल में बनाया दिया गया, वो चार ठोरे कोठा बनाए दिए से एक तो अत्ते बड़े सकित्ते में वो महिला डिग्री कॉलेज के कोई भी नीड्स नहीं पूरा करी से, महिला डिग्री MP स्कूल इधर लड़के खेली हैं क्रिकेट हुई चिल रही हैं हल्ला मचे हैं वहाँ महिला डिग्री कॉलेज, ये तो होइबे नहीं करा। एक जिद माँ बहुत चीज संरचना ऐसी चीज़ है जिका हम लोग जो है एक वेब में ले जाए चाहे वो वेब से अलग ले जाए, अब तुम लेके जाओ वहाँ पर जो है सिनेमा हॉल के बगल में एक तरफ सिनेमा हॉल की ओफेक्स चलाए दो, एक तरफ को हम स्कूल चले हुए तो चल पाई है वहाँ पर, एक आप कहा महिला के कॉन्सेप्ट रखो वहाँ खेल मैदान में महिला के कॉन्सेप्ट रखो न हो पी है, इसके वजह से बहुत जरूरी है इस क्षेत्र में एक जो है वीमेन डिग्री कॉलेज के लिए उच्च शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है आवश्यकता है, हमार पहल है और रही है। और अंत में एक बार हमें राजनीतिक थोड़ा सा आप मजबूरी है कि आप साथी लोग पूर्वक्ता मित्र लोग कहें तो रखागा, आकाश की परिवर्तन ही देश में हुआ है ऐसा बात नहीं है, और हम लोगों के पारिवारिक संबंध है और हमका जो है आंटी का शुभकामना है बिल्कुल, आप एक आप बहुत अच्छा उच्च विचार दीने नमस्कार जी भी कि एक जो है अच्छे कोष की स्थापना हो, हमारा जो कंट्रीब्यूशन हो हम भी वहाँ करवे स्थापना आप लोग किया जाए निर्णय किया जाए, और जैसे ही विगत 16 वर्ष तक निरंतर जो है महिला सशक्तिकरण में खास करके मदेशी और मुस्लिम महिला जो कि हर तरीके से पीछे, अगर आप देखा जाए ये देश के दलित के जो है एजुकेशन अगर देखा जाए शिक्षा देखा जाए तो नेपाल के जो सेंसेक्स है जो डाटा है जो आपके
तथ्यांक है, वो तथ्यांक में महिला या मुस्लिम है के दलित से भी न्यून है शैक्षिक स्तर, दलित से भी जो है आपके आर्थिक स्तर न्यून है। ये नेपाल सरकार के तथ्यांक कहते हैं, वो महिला के तो बातें छोड़ दिया जाए कि कितना न्यून है, तो मदेशी के भी वही हालात है। इस सुधार के लिए इस संस्था के जो है भूमिका अग्रणी होना और एकदम बिल्कुल आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इका गैर सरकारी महासंघ की तरफ से भी विशेष ग्राह्यता में हमारा कहना का है कि कुछ अपने पहल से अगर समृद्धि करत हैं तो कुछ गैर सरकारी महासंघ के संस्था की तरफ से भी पहल हुई, हमका पूरा विश्वास है। साथ साथ है हम प्रतिनिधि की हैसियत से भी जो फातिमा फाउंडेशन का हमारे तरफ से जो भी जितना है, हम तो एक प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुके हैं कि के भवन का जो है निर्माण में पूर्ण हमारा सहयोग रहबे करी और इस 16 साधारण सभा पूर्ण रूप में सफल हो, भव्यता के साथ, सभ्यता के साथ, और आप लोग नया कार्यकाल और नया नेतृत्व